स्कूल के बच्चों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। गर्मी की छुट्टी के दौरान बीमार पड़ने पर सरकार इलाज भी कराएगी, ये जानकारी सामने आ रही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने नंबर भी जारी किया है। अभिभावक 104 जो टोल फ्री नंबर होगा उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी पीएससी को भी निर्देश दे दिया गया है। तो गर्मी की छुट्टी का ऐलान और उसके साथ साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार की पहल जो है वो नजर आ रही है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में 1 जून से लेकर के 30 जून तक गर्मी की छुट्टी का ऐलान किया गया है। रजनीश फोनलाइन पर है सहयोगी। रजनीश, स्कूलों में छुट्टी के ऐलान के साथ साथ किस तरीके से बच्चों का ख्याल स्वास्थ्य का रखा जाए उसके लिए भी पहल है, क्या पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए राहुल, 1 जून से 30 जून तक जो है गर्मी छुट्टी घोषणा हो गई है और इस दौरान जो है बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है पहली बार कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं जो गर्मी छुट्टी के दौरान अगर बीमार पड़ते हैं उनके लिए प्राथमिक उपचार की भी सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। इसको लेकर सभी पीएससी को टैग किया गया है और सभी पीएससी के जो स्वास्थ्य प्रबंधक हैं, जो हेल्थ मैनेजर हैं, उनके साथ शिक्षा विभाग ने भी बैठक की है और ये कहा गया है कि 104 जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जैसे ही कोई अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो पेरेंट्स जो है तुरंत इस नंबर पर संपर्क करेंगे और उसके बाद जो है वहाँ के स्थानीय जो पीएससी के चिकित्सक हैं, एएनएम कर्मी हैं, वहाँ पर तत्काल जाकर उनका इलाज करेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि अब वक्त कम है और शिक्षा विभाग ने ये घोषणा कर दी है कि अब 1 जून से 30 जून तक जो है बच्चों के लिए अब गर्मी छुट्टी होगी। हालांकि निजी स्कूलों की अपनी अपनी अलग अलग राय है, पहले भी कई स्कूल है जो बंद हो जाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों के लिए एक प्रारूप तय हुए हैं, यानी 30 जून के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। राहुल जी, चलिए शुक्रिया रश्मेश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बीमार पड़ने पर सरकार इलाज भी उन बच्चों का कराएगी जो गर्मी की छुट्टी में जाएंगे और उनके लिए पूरी जो व्यवस्था है वो पीएससी में की गई है। 104 नंबर एक टोल फ्री है, उस पर भी अभिभावक संपर्क कर अपने बच्चों का इलाज सही ढंग से करा सकते हैं। तो 1 जून से लेकर के 30 जून तक गर्मी की छुट्टी का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया। प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए भी ये बड़ी पहल की गई है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो उसका किस तरीके से इलाज भी हो सके।